अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? मैं करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो माशाल्लाह से जी आज हमारे पास आ रहे हैं मेहमान, और मेहमान जो है ना वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। पहले भी उनकी काफ़ी कॉल्स आई थी, तो अभी जो है ना हमें टाइम देना पड़ा। मेहमान जो है ना वो अल्लाह की रहमत होती है, और ख़ास तौर पर जब हमारे घर आने की कोई बात करता है तो हम उनको मना नहीं कर सकते और ना ही कर पाते हैं। तो मेहमान जो है ना वो तकरीबन पहुंचने वाले हैं। अभी शहजाद साहब को कॉल आई थी कि जो हमारा पिछला गांव है ना वहाँ पे आ गए, तो तैयारी जो है ना बाकी मैंने सारी कर ली है। टाइम जो है ना उनके पास बहुत कम है, उन्होंने पहले बता दिया कि खाना वगैरह आप लोगों ने नहीं बताना है, तो सर्दियों का दिन इतना छोटा सा होता है। बाकी जो है ना हमने आप लोगों से कुछ सीखना है, बस आप लोगों ने हमें गाइड करना है। तो देखेंगे टाइम के मुताबिक, अगर कुछ खाना बनाना हुआ तो बना देंगे, नहीं तो जितना हमसे हुआ हम लाजमी करेंगे। अभी शहजाद साहब जाते हैं जी करने के लिए। तो माशाल्लाह जी मेहमान जो ना हमारे पास पहुंचने वाले हैं। ये गाड़ी मेहमानों की है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी ठीक भाई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ सब खैरियत? चल हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह तुसी सुनाओ सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेहमान जो है ना वो पहुँच आए हैं, और अभी घर लेके चलते। अब्दुल हादी आपने मेहमानों को नहीं मिलना? क्यों? वो कहता जी नहीं। मेहमानों से ये मुझे पकड़ा दो, मेहमानों से सलाम लो, ये मुझे दे दो। अब्दुल हादी के होता है ये? अब्दुल हादी है। अच्छा जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा सही। इतने पानी बहुत हुए थे उदो असी आए थे, पिछली बार मैंने कॉल आई थी। हां जी हां उदो कहंदे चलिए, मैं कह नहीं हूं टाइम नहीं है, आप फिर जब आए ना वापस। हां जी वो फिर कल से आए थे 40वें से। अच्छा सही। कल प्रोग्राम बनया पांडा मेरा भी है, वो भी टीचर तो है एसएसटी अकेले काम करता है, वो देखो कैमरे की तरफ। तो अब्दुल्ला जो ना वो अभी उठा है, और इसका मूड जो ना वो बहुत ज्यादा खराब है। तो मैंने सोचा अभी मेहमान आए बैठे हैं और ऐसे रो रहा है, तो मैं जरा बाहर लेके चलता हूँ और आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने गाड़ी का नाम लिया ना, कहता है हाँ दिखाओ, मतलब मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गाड़ी। अब्दुल्ला जी आपने भी देखनी गाड़ी, ये देखो। अब्दुल्ला देख ली गाड़ी, ये आपकी है? आपकी गाड़ी है? किसकी है? आपकी गाड़ी है अब्दुल्ला जी? अब्दुल्ला किसकी गाड़ी है? अब्दुल्ला जी आपकी है? आपकी गाड़ी? हाँ चले देख ली गाड़ी है? नहीं देखी? किसकी है? आपकी? अब्दुल्ला कह रहा जी मेरी गाड़ी है। चले आ जाओ। तो यहाँ पे जी मेहमानों के लिए चाय वगैरह जो है वो बन चुकी है, और बिस्किट वगैरह मैंने मंगवा ली है, ये देखें। अब्दुल हादी मेहमानों से सलाम दुआ की थी? तो यहाँ पे अब्दुल्ला जो है ना वो मोबाइल पे कार्टून वगैरह देख रहा है, और यहाँ पे बाकी हमारा काम जो है ना वो बस रेडी हो चुका है जी। बेगम साहब जो है ना वो तैयारी कर रही है, और आज मौसम आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है बाहर जी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखेंगे
तो यहाँ पे जी चाय वगैरह और मिठाई जो ना वो लेके आ रही बेगम साहब और मक्खियों मक्खियां बहुत मीठी चीज है ना, चीज के ऊपर तो वैसे भी जो है ना भाग भाग के आती है। तो अभी जी चाय जो है ना वो ड्राइवर भाई को भी देने चले गए और बिस्किट वगैरह जो ना मिठाई वगैरह उनको भी देते हैं क्योंकि वो गाड़ी में बैठे वो नहीं आगे आए। तो अभी मेहमान जो है ना वो चाय वगैरह पी लेते हैं, आप चाय पिए ऐसा ना कुछ ठंडी हो जाए। तो ये बेचारे जो है ना काफ़ी दूर से आए हैं, तो जो है ना रिक्वेस्ट करनी है आप सबसे अपने देखने वाले प्यारे व्यूअर से कि इनके चैनल का नेम जो है ना वो आपदा व्लॉग्स के नाम से है। इनके चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करके आप लोगों ने इनकी हौसला अफजाई भी करनी है कि हम किशवर विलेज व्लॉग से आए हैं। हाँ जी, तो हौसला अफजाई आपने भरपूर तरीके से करनी है, बाकी हर कोई मेहनत करता है जी। इनके चैनल का लिंक जो है ना हम अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो अगर जिनको ना समझ आए वहाँ से भी लिंक ओपन कर सकते हैं। बाकी मैंने नेम भी बता दिया कि आपदा व्लॉग्स इनके चैनल का नेम है, तो वहाँ से सर्च करके यूट्यूब से असलपुर तो दूर है, उत्ते सड़क दे साडा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आवांगे। मास्टर दा टीचर दा घर पहुंच लेना। मां जी जो ना वो बेगम साहिबा के लिए गिफ्ट कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप बता दें? वो कमरे का पर्दा कह रही हैं और हाथ की बनी हुई जो छाबियां होती है ना जिसे हम चंगेरे भी कहते हैं, इनका कपड़ा भी हाथ का बना हुआ, कढ़ाई जो होती है हाथ का जो है ना वो जो दरवाजे का पर्दा कह रही है ना वो माँ जी ने अपने हाथ से बना के देना है हमें। अच्छा माशाल्लाह, चलो इंशाल्लाह जी जरूर, वो कहते सामने लगाना है फ्रंट भी लगा होगा। चलाओ तो अभी जी फैमिली को जो ना घर विजिट करवाते हैं, रूम वगैरह दिखाते हैं। वो कहते जी हम वीडियो देख देख के ना बोर हो चुके हैं, अब हम लाइफ देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को लाइफ दिखा देते हैं कि हमारा घर किस तरह का है। हाँ जी ये वाला रूम देखिए जी, तो काफ़ी देर बैठने के बाद जी मेहमान हमारे अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की, और काफ़ी ज़्यादा हमने समझाया है जी YouTube के बारे में, वीडियो बनाने के बारे में, व्लॉग बनाने के बारे में, क्योंकि इनको ये चीज़ें ज़रूरी थी, पहले बना रहे थे लेकिन उनको सही तरह से पता नहीं चल रहा था। तो अभी काफ़ी समझाया जी, कोशिश कीजिएगा कि खुद काम करें, किसी पर ना छोड़े और कामयाब हो जाएंगे आप, बेफिक्र हो जाएं, बाकी हमसे जितना होगा हम इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे। इसके अलावा आप फ़ोन पे पूछते रहिएगा, जो भी आपको ज़रूरत हो ना आप वो पूछ सकती हैं बेफिक्र होके। हाँ इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह, भाई भी बहुत अच्छे रहे माशाल्लाह हैं। नहीं जी नाम अल्लाह का अच्छा, सिर्फ माशाल्लाह बहुत साड़ी इन्होंने हेल्प भी की है माशाल्लाह, बहुत साड़ी इन्होंने खिदमत भी की है माशाल्लाह। अभी टाइम कम था, खाना नहीं खिला सके, बस माशाल्लाह नहीं खाने का कोई जरूरत नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई ने, ते आप भी बहुत अच्छी है, ते माशाल्लाह घर भी देखा बहुत प्यारा खूबसूरत घर भी बनाया ने, ते माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करनी हाँ कि भाई बहुत अच्छे ने माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके ना बोले। जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना उन्हें अगले भी अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, बहुत प्यारा लगा मेनू तेरे को आंदे सारे, जब आपका दिल करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आप फैमिली बन चुके हैं इंशाल्लाह, आप एक दूसरे को जरूर तुसी मेरे को आना इंशाल्लाह, मैं तो इंतजार करा कि मेरी आपी केड़ी है मेरे को आई, भाई भी आन गए आपी भी मैं जरूर बुलावांगी अपने को, ते इथे भी बुलावांगी, मेरा इथे भी घर है
तो मेहमान हमारे जो ना चले गए जी। हाँ जी, तो मेहमानों ने खाना नहीं खाया, उसके लिए हम माजरत करते हैं जी। नहीं, बहुत कहा मैंने तो, बहुत कहा। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने वापस जाना है, ये हासलपुर से आए हुए थे और काफी दूर था, सफर काफी था, बिल्कुल मुताबिक ही जो है ना फिर चीज बनानी पड़ती है। हाँ जी, और टाइम जो है ना बहुत कम था, और ज्यादा जरूरी जो उनके लिए था, जिस चीज के लिए वो सफर करके आए थे ना, फिर वो चीज ज्यादा जरूरी थी। ज्यादा टाइम हमें उनको गाइड करने में लगा, यूट्यूब के बारे में, व्लॉग के बारे में ये समझाना। 2 साल से वो मेहनत कर रहे थे, तो ये चीजें जो ना वो बहुत जरूरी थी। तो आप लोगों ने लाजमी उनका चैनल सब्सक्राइब करना है, लिंक जो ना वो डिस्क्रिप्शन में है, तो विजिट करें, उनकी सपोर्ट करें, ताकि वो भी अच्छा सा रोजगार अपना कमा सके, चला सके। तो मेहमानों के जाने के बाद जी मैंने अभी खानी है जी मिठाई, और ये लेके आए थे मेहमान, ये देखें वो अंदर तक डब्बा भरा हुआ माशाल्लाह, और कुछ दे दी थी उन्हें, मेहमानों ने भी खाई थी। पीछे आप लोगों को भाई अरशद दुआ फातिमा अयान नजर आ रहे होंगे, अभी आए हैं। सब जिन बन के बैठे हैं जिन। भाई आज सर्दी बहुत ज्यादा थी, इनकी तबीयत जो है ना फिर थोड़ी। हेलो, क्या कर रही है? ये आपके सारे बलून जो है छोटे जो है ना वो कहती है उतार दे, पहले मेरे बच्चे जानने छोड़ते। ये उधर से आती सिर्फ गुब्बारे फाड़ने के लिए। ये लो बस, अब नहीं लेना, मूड खराब हो गया बस। मेहमानों को गई है वरना काफी देर हो गई है, तो अभी जी टाइम जो है ना वो असर की अजाने जो है ना वो आ चुकी हैं, असर की अजाने जो है ना वो आ चुकी हैं, और जैसे असर की अजाने आती हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद ही शाम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिन इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि समझ नहीं आती काम करने की, रूटीन जो है ना वो जैसे गर्मियों की होती है, और फिर जो है ना जब सर्दियाँ आती है तब रूटीन जो है ना थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है, क्योंकि सर्दियों में अपनी जो है ना फिर मर्जी से काम करने, और गर्मियों में हमारा ब्लॉग जो है ना वो तकरीबन 5 बजे स्टार्ट होता था, और अभी जो है ना सर्दियों में 5 बजे शाम हो जाती है। काफ़ी कोशिश करते हैं कि जल्दी व्लॉग स्टार्ट करें, तो यहाँ पे रखी हुई थी मैंने दाल, और इस साइड पर जो मैंने चावल रख दिए हैं, आज मैं बना रही हूँ जी दाल चावल, मसर नहीं थे और ना ही मेरे पास जो है ना वो काले चने, वो भी ख़त्म हो गए थे, मेरे पास सिर्फ ये वाली दाल पड़ी हुई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी जो बननी है वही बना लेती हूँ, चावल जो है ना वो भी पहले के पड़े हुए थे, अभी मैंने पानी इसमें डाल दिया। अभी टाइम शाम का हो चुका है जी, और शाम की नमाज के बाद हमने व्लॉग स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ना अपनी अपनी कौलियों के अंदर चावल लेके ये देखें बैठे हुए हैं, और अब्दुल हादी ने तो कहा जी मैंने बड़े सारे लेने हैं, ये देखें मतलब कि बड़े बर्तन में लेने हैं, और यहाँ पे दाल देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़े की बन गई है जी। हाँ जी, पानी पी रहे हो? हाँ। और यहाँ पे चावल देखें माशाल्लाह कितने मज़े के हैं, ये देखें लॉन्ग लॉन्ग चावल जी, अच्छी क्वालिटी के चावल हैं ये माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारे दाल चावल जो है ना वो तैयार हो गए, और बहुत ही मज़ेदार दाल चावल आज बने हैं। अब्दुल हादी से पूछते हैं, अगर अब्दुल हादी ने कहा ना मज़े के हैं तो फिर मज़े के होंगे। अब्दुल हादी, चावल कैसे बने हैं? कैसे मज़े के? उसे ना भूल गया था कि कैसे करना है। अब्दुल्ला कैसे चावल बने हैं? कैसे करो ऐसे?
मजे के बने चावल। हाँ, चलो खाओ चावल। और यहाँ पे आप लोगों को नजदीक से चावल दिखाते हैं जी, कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। और अभी जी मैं भी खाता हूँ चावल। आप खाएंगे तो आप कहेंगे क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह दाल चावल बहुत अच्छे हैं। और हमारी जो चकोरे हैं ना, जो हमारी तितरियां हैं, वो ऊपर चढ़ चुकी हैं शरीर के। अभी आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी उनकी। और हमारे बहन भाई कहते हैं कि आप लोग दाल चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो काफ़ी ये कमेंट्स करते हैं कि दाल चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे ये फेवरेट दाल चावल हैं। तो खाना खाए हुए हमें तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, और उसके बाद जी काफ़ी देर गपशप हमने की है और चाय वगैरह पी, वॉकिंग वगैरह की, और अभी हमारा टाइम हो चुका था सोने का। और अब्दुल हादी अब्दुल्ला अपनी दादी मी के पास है। तो रात को हमारा माशाल्लाह रूम इस तरह का लगता है, वहाँ पे जो बलून थे ना वो अब्दुल्ला ने जी उड़ा दिए, देख सकते हैं। एक यहाँ पर भी था, वह भी ख़त्म कर दिया, और उनके बेचारों की तो हवा खुद ही निकल गई है, देखें। और बाकी हैप्पी बर्थडे जो है ना हमारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। हमारे बेड की बैक साइड पे ये देखें, माशाल्लाह। सब बहन भाई कहते हैं कि बस अपना हर व्लॉग में अपना रूम और किचन जो है ना, ये आप लाजमी दिखाया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कहते हैं जितनी दफा भी देख लेना ऐसा लगता है कि कम देखा है, फिर भी दिल नहीं भरता। और माशाल्लाह मेहनत क्योंकि इतनी ज्यादा हुई है ना इस रूम पे, तो फिर देखने को अच्छा भी तो लगता ही है ना। थैंक यू सो मच ऑल फैमिली का, जो हमें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों की वजह से ये सब कुछ है। आप लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो हम मेहनत, हमारी मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है। हम भी फिर शौक से मेहनत करते हैं कि क्योंकि आप सबको पसंद है, आप इतना पसंद करते हैं हमारे घर को, तो इसलिए बस हम मेहनत किए जा रहे हैं। तो चलें जल्दी व्लॉग यही एंड करते हैं जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा, हमें भी अपनी निगाहों में जरूर याद रखियेगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।